लोकेशन तो खत्म। अच्छा ये लोकेशन तो यहीं की खत्म हो गई। अरे आपका दोनों चीज है, ओवर वेट भी ओवर साइज भी है। देखो सर उनको उनको पता नहीं होगा, ओवर वेट में भी सर हमारे पास भी आते हैं 20 किलोमीटर में। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं 200 रुपये कर सकता हूँ, 550 रुपये ले। तो फाइनली दोस्तों हमारा पार्सल हो गया डन। सेकंड फ्लोर पे देना था, उन्होंने मना कर दिया, भाई रिकॉर्डिंग अलाउ मत करो। अरे कौन सी चोरी कर रहे हो। तो स्वागत है दोस्तों एक नए ब्लॉग में। भाई आज का दिन है अपना, कौन सा दिन है, कल तो बुरा दिन था, आज देखो कौन सा दिन है ना, दिन भूल जाता हूँ यार मैं तो पूरा। आज है मंगलवार, सॉरी दोस्तों। तो भाई अभी मीटर रीडिंग हो रही है 588 और टाइम हो रहा है 10:39। ठीक है, और भाई ओला में एक राइड मिली है भाई अपन को कालका जी के लिए, भाई 262 का अमाउंट दिखाया है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है, हमें कितना मिलता है नहीं मिलता है, एक बार मैप में चेक कर लिया करो ना। अभी मैं अभी इधर ही आ रहा हूँ यहाँ से, वही पूछ देखता हूँ एक मिनट को, देखूँ कौन सी गली में आ गया मैं। हाँ इधर, हाँ हाँ मैडम, हाँ मैं ही हूँ। मैडम लोकेशन तो खत्म। अच्छा ये लोकेशन तो यहीं की खत्म हो गई। ठीक है देखता हूँ। कालका जी मंदिर आगमन जेल एक मिनट। तो भाई जैसा कि मैंने कहा था कि पोर्टल ऑन कर देता हूँ, कहीं ना कहीं से पकड़ के लेके आएगा, और 12:05 पर भाई पकड़ के लेके आया। कहाँ से, ग्रेटर नोएडा का है भाई, 354 रुपये का अमाउंट है, और लोकेशन देख लो भाई करीब 2.2 किलोमीटर है, यहाँ से घूम के जाना है। चलो पहले फटाफट कस्टमर को देखते हैं पार्सल क्या है। भाई आ गया तुम्हारा भाई, लोकेशन थोड़ा उधर उधर था, ठीक है भाई लेना जरूरी है, काम करना है भाई हमको, काम नहीं करेंगे तो खाएंगे कैसे। ऊपर नीचे तो है, ऑर्डर का तो दस्तूर है भाई, डोर टू डोर सर्विस। खुल जा भाई जल्दी, सेकंड फ्लोर। हाँ मैम पोर्टर क्या था, आगे से क्या पार्सल करना है। मैम जी ये क्या है ना, हाँ ओवर साइज भी है मैडम। हाँ ये दो ये मत सारे जाएंगे ना, हाँ तो ये ओवर साइज भी हो गया और आपका ओवर वेट भी बता रहे हो। मेरे इसमें तो 350 दिखा रहा है, 354 एक्स्ट्रा तो ले लूंगा, फिर इसका डबल चार्ज लगेगा सीधा आपको। आता है वो सर, उनका अपना अपना स्टोर होगा, बट मेरे लिए तो ओवर साइज हो। एक चीज होती है ना, आपका एक चीज होता ना तो 100 रुपये चलो मानते हैं, आपका दोनों चीज है, ओवर वेट भी ओवर साइज भी है। देखो सर उनको उनको पता नहीं होगा, ओवर वेट में भी सर हमारे पास भी आते हैं 20 किलोमीटर में, बट वही बात है। हाँ तो ज्यादा से ज्यादा मैं 200 रुपये कर सकता हूँ, 550 रुपये ले सकता हूँ, बताओ। नहीं सर हमने बता दिया मैंने आपको, मैं आर्गूमेंट वगैरह कुछ करूंगा नहीं, बाकी आपकी इच्छा है। नहीं मैडम नहीं हो पाएगा, आप बता दो फिर मैं तो कैंसिल कर देता हूँ। नहीं इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है, ऊपर ही कर लूंगा तो बस ओवर वेट। तो ऊपर बांध दूंगा उससे, देख लो बात कर लो आप, ठीक है। और करीब ये 32 किलोमीटर है भाई यहाँ से, तो हमने 200 रुपये बढ़ाए, कमेंट कमेंट करना सही बढ़ाए कि नहीं। बाकी तो ठीक है भाई, क्योंकि वहां से तो खाली आना पड़ेगा, वो एरिया ही है, मिल जाए तो बढ़िया है, ना मिले तो नसीब का खेल है सारा। 5:48 हो रहा है दोस्तों, ठीक है मिलते हैं अब आपको ग्रेटर नोएडा में 5:30। ठीक हेलो भाई, हो गया 7:550 का। अब भाई यहाँ से क्या है नहीं है कुछ पता नहीं, कोई आइडिया नहीं है, ठीक है वहाँ पता 70 रुपये काटेगी काटेगी। 1:46 हो चुका है भाई मेरे दोस्तों, और यहाँ से करीब घर जो है हमारा 65 किलोमीटर। कहाँ का मजा था भाई,
कहीं से लिया हो गया। खर्चे उठा लेते हैं यार, ये लोग तो घर पर छोड़ देंगे। चलो भाई नेक्स्ट डेट पर देखते हैं क्या होता है हमारे साथ। ओ भजी तो सी, अरे कहाँ की 575 की, दिल्ली की है भाई, मोहन गार्डन। ये माय गॉड, ले गया कोई 575 की थी यार, खेल गया भाई खिलाड़ी। कोई बात नहीं, देखते नेक्स्ट अपडेट क्या, कोई ना कोई तो बचेगी भाई। दोस्तों बात है जिद्दी की भाई, ओटे में बच गई भाई विष्णु गार्डन के लिए, 400 कुछ रुपए का है, ठीक है 532 का सॉरी। और ऊबर में जा रहा था, करीब 1.5 किलोमीटर करीब पहुंच गया था, तब तक मैं हो गई कैंसिल। कैंसिल हो गई तो भाई रुका था, रुकने के बाद भाई बच गया ऑटो में। भाई उंगली वालों फटाफट फटाफट मैंने मार दिया। अब ये 4G टावर कहाँ पड़ेगा, ये घुमा घुमा के पागल कर दिया यार। अब यहाँ से देखते हैं अपार्टमेंट में आए भाई, और अपार्टमेंट में बताया 4G 201 टावर। पहुंच गया भाई 4G। अब 201 कौन सा फ्लोर पे पड़ेगा, 201 तो घर से, 201 कौन सा फ्लोर पे पड़ेगा, 201 नहीं दूसरे मंजिल पे, 1 2 का है। तो फाइनली दोस्तों हमारा पार्सल हो गया डन, सेकंड फ्लोर पे देना था, उन्होंने मना कर दिया भाई, रिकॉर्डिंग अलाउ मत करो, ऐसा कुछ नहीं है, खुद तो रिकॉर्ड कर रहे हो तुम वीडियो में। कोई बात नहीं भाई, यहाँ से हम कर देते हैं जी रिटर्न। देखते हैं भाई 532 5 स्टार। देखो कितना देता है, 425 दिए भाई, सही है, कोई बात नहीं। देखते हैं नेक्स्ट अपडेट, 4:04 हो गए। मिलते हैं। तो दोस्तों भाई अभी अर्जेंटली मुझे घर से कॉल आ गया भाई, मुझे अभी ये वीडियो यहीं एंड करनी पड़ेगी। होता था थोड़ा और एक दो राउंड मार के थोड़ा कवरेज कर लूं, बट घर से फोन आ गया, अभी तो आओ अभी तो आओ अभी आओ, भाई ये क्या बात है भाई। चलो भाई सर हुकुम सर आंखों पे, क्या कहते हैं ना, हुकुम मेरे आका वही है भाई, करना पड़ेगा। तो भाई आज की टोटल कमाई हमारी 1188, ठीक है 708 अपना पोटर में, और 262 है ऊबर में, और सॉरी ऊबर में ओला में, और अपना 200 का ऑफलाइन है, और 98 रुपये प्लस एक्स्ट्रा मिले जो अभी लेके आए उसमें। तो भाई 1188 हो गया, बाइक चल गई हमारी करीब 137 किलोमीटर, 588 सुबह थे और अभी हो जाएगा 720 घर जाते, ठीक है। तो 137 के आसपास पेट्रोल, 140 मान लेता हूँ, ठीक है। और अगर 140 है तो भाई मैं 220 का पेट्रोल मान लेता हूँ, ठीक है। 220 का पेट्रोल हो गया तो बचा भाई हमारे पास 968 रुपये, मतलब कि 970 रुपये मान लो, 1 रुपये इधर भी होते हैं भाई, 970 रुपये। और बात करें कि हमने कितने घंटे काम किए, तो भाई ओला में हमने जो राइड उठाई थी करीब 10:35 35 मिनट पे, मतलब कि 10:30 बजे मान लेते हैं, और अभी टाइम हो रहा है 4:20, साढ़े साढ़े चार हो जाएंगे घर पहुंचते पहुंचते, तो कितना हो गया 10:30 से 6:30, तो वैसे हो गए तो भाई 6 घंटे में। वाह भाई वाह, आज तो भाई 6 घंटे में काम कर गए हम तो 10:30 हो गया, 11 12 1 2 3 4, हाँ यार 6.5 घंटे में आज हमने कर दिया रिकॉर्ड, 1,000 रुपये की टंकी पेट्रोल निकाल के। वाह ये तो ठीक है यार, बट ऐसे रोज हो जाए कमाई तो मजा आता है यार, दिल खुश होता है, इससे बड़ी जॉब कोई हो तो वही नहीं पूरे दिल्ली एनसीआर में, अगर इस टाइप का जॉब मिल जाए तो। बट ठीक है भाई, वही है कि 6.5 घंटे में भाई 970 रुपये की कमाई हुई है। तो
भाई यही है भाई। तो आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तो पसंद आई है तो लाइक जरूर कर दो, और चैनल पर नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर दो। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वॉचिंग, बाय।